नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ गए हम कभी ब्रजेश कुमार ने और स्वागत है आपका हास्य बैंक से परिपूर्ण हल्के फुल्के मंजक्षों में जिसे आप कहते हैं हैप्पी। शेर सुनिए, शेर सुनाइए। नहीं सीखा है हमने किसी भी कंडीशन में घबराना, नहीं सीखा है हमने किसी भी कंडीशन में घबराना, और टेंशन के मारे कलेजा मुंह में आ जाता है जब बीबी कहती है जरा अपना मोबाइल का पासवर्ड बताना। अच्छा कविराज, पुराने लोग कहते थे कि टेंशन में नींद नहीं आती। हाँ। और आश्चर्य की बात है, बंदा फिर अपनी बीवी के साथ ही सोता है। अच्छा, आदमी को अलग अलग टेंशन होती है, मतलब किसी को टेंशन लेने की टेंशन होती है, किसी को टेंशन ना हो तो इस बात की टेंशन होती है, और भी अलग अलग टेंशन हम इन लोगों से पूछते हैं। भाई टेंशन पे कोई कुछ टिक्का टिप्पणी? आप इतनी खूबसूरत लड़की के बीच में बैठे हो, तुमको क्या टेंशन है बे? नमस्कार मेरे भाई, क्या नाम है आपका? पवन। पवन, हवा में हो तुम बेटा? हाँ, क्या टेंशन पे क्या? मुझे एक टेंशन है कि मैं किसी लड़की से नंबर ले रहा था, मुझे किसी ने पकड़ लिया। तो पगले, इसमें टेंशन लेने क्या बात है, डिलीट कर दे। क्यों डिलीट कर दे? जब लड़की ने तुमको खुशी खुशी नंबर दे दिया तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे टेंशन हो रही कि आगे कुछ बात नहीं हो। आगे कुछ बात ना हो, पागल आदमी हो। एक काम करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, उस लड़की का नंबर हमको दो। अगर मैंने आपको उसका नंबर दे दिया तो आप पटा लोगे उसे? अगर तुम नंबर ना दो, हम ठान ले तो भी हम पटा लेते हैं। वो यहाँ की लड़की है? हाँ, यहीं की। कहाँ है? यहीं है। ये इधर ऐसे रैंडम थोड़ी दिखा। उस तरफ है। उस तरफ आप गैस कर लो। इस तरफ तो 90% आंटियां बैठी हैं। किसने नंबर दे दिया तुमको? ध्यान से देखो, लड़कियां भी उधर। मैं गैस करूं कौन है? आ करो, थोड़ा हुलिया बता ना, हुलिया। उस लड़की के बाल है। अरे पागल आदमी हो, तो इसमें से कौन सी लड़की है जो बाल छिलवा के गंजी होके बैठी है? और कुछ और मेरे को और हिंट? उसने लिपस्टिक भी लगा रखी। तू मतलब मेरे साथ खेल रहा है? कौन सी लड़की लिपस्टिक नहीं लगा के आई है? आगे वाली लाइन में तो कोई लड़की में नहीं आता है, वो तो खुद अपनी बेटी की विदाई की तैयारी कर रहे हैं लोग। कौन है जो मम्मी के साथ नहीं आया है? कोई बता नहीं रहा है। सोचो, जब लड़की नहीं बता रही है तो दुनिया की टेंशन क्यों लेता है? इसीलिए लौंडे पीछे रह जाते हैं। ट्रस्ट करो, तुम झूठ बोल रहे हो ना मेरे से, तुमको ऊंट नंबर ना दे साले पागल बात। चलो बैठो, सुनो, हो सकता है इस बात पे दया करके कोई तुमको नंबर दे ले। कपड़े अच्छे पहन के आओ, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच। है जोरदार तालियां भाई के लिए, लौंडा नंबर लिया तो है। भाई टेंशन की बात कीजिए, टेंशन में डूबे रहिए, चाहे टेंशन लीजिए चाहे मत लीजिए, हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम जा रहे हैं बैंकॉक। चले बाबा। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, बैंकॉक जाऊंगा, छुट्टी मनाऊंगा। बीबी को मैंने बोल रखा है कवि सम्मेलन है, कविता नहीं, वहां जाके हम कहानी लिखेंगे। बस ये पगली आ तो जाए। कविता आओ जल्दी, तुम्हारा आखिरी बार मुंह देख के हम चले जाएं। ब्रिजेश दादा, अरे वाह 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 वाह, इतना तैयार होके कहाँ जा रहा है? शादी में बाराती बन के फ्री फंड में खाना खाने जा रहा है क्या? देखो ये बात कौन कह रहा है जो अपने जीभ से जमीन पे पड़ा हुआ चिप्स उठा लेती है। पागल कुछ भी बात करता है। देखो तुम मुझे बताए बिना कहाँ जा रहा है? आप ओबामा की मौसी लगती है कि आपको बता के जाऊँ? क्यों नहीं बताना चाहिए, हम तुमको हमारे घर का सब खबर बताता है। आई, सब बात नहीं बताता है, खाली एक ही बात रोज बताता है कि घर में खाने को नहीं है ब्रिजेश बाबू। झगड़ा छोड़ो, हमको ये बात बताओ तुम एक्चुअल में जा रहा किधर है? मैं जा रहा हूँ बैंकॉक, कवि सम्मेलन है। तुम्हारा कविता इधर तो कोई सुनता नहीं है, उधर क्या करने जा रहा है? इधर कोई नहीं सुनता, इसीलिए उधर सुनाने जा रहा हूँ, पागल औरत। और इधर सब लोग सुनते हैं सिवाय आपके, आप सुनेंगी ना तो पागल हो जाएंगी। तो हमको पागल कर दो और हमारा खूबसूरती पे कोई कविता सुना दो। तो सुनिए, आंखों में तुम्हारी शरारत, ये बीच में इस कुछ पुश ये सब ना किया करो। आंखों में तुम्हारी शरारत, दिल में है मैल। आंखों में तुम्हारी शरारत, दिल में है मैल, ये तो बता तू औरत है कि चुड़ैल? बदतमीज आदमी, ऐसे पागल जैसा बात करता रहता है, मैं जा रहा इधर से। जाओ जल्दी जाओ, और सुनो आगे से लेफ्ट लेना, भाड़ आएगा उधर, वहीं चले जाओ। दिल्ली रास्ता काट दे तो भी बुरा नहीं होता है, अगर ये बंगाल ना जाए इससे बुरा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। कविता पता नहीं कहाँ रह गई यार, हद कहानी है इसकी भी। अरे यार तुम इधर थी, इधर कहाँ चली गई? पता नहीं कैसी कैसी मुसीबत आ रखी है आज। कहाँ थी तुम? अरे हम आपको विदा करने के लिए ना वो दही लेने गए। अरे यार दही के चक्कर में पड़ी हो, अब हम बैंकॉक जा रहे हैं,
गलत सही दूध दही सब वही होगा। अरे लेकिन हमारी बात तो सुनिए, आगे क्या हुआ? तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा, मैं तुमको फ्लाइट में से फोन करूंगा, ठीक है? पर फ्लाइट में तो फोन चलता ही नहीं है ना? यार चलता तो तुषार कपूर भी नहीं है, पर कोशिश तो करता है ना। और वैसे भी बच्चन साहब ने कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, थोड़ी बेइज्जती जरूर होती है। अरे आप इन सब बातों में तुषार कपूर को क्यों घुसड़े? ये तो रोहित शेट्टी घुसड़ता ना, उससे पूछो ना। अरे हमारी बात तो सुनिए ब्रिजेश जी। तुम्हारी बात मैं जानता हूँ, जिस बात का तुमको टेंशन है, जो बात तुम मुझसे कहना चाहती हो ये है कि सुनिए, वहाँ छोटे छोटे कपड़े में लड़कियाँ होती है, पटाया पे उनको पटाना मत, उनसे दूर रहना और जल्दी आना, यही ना? हे भगवान, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे पर टेंशन ये नहीं है, टेंशन की बात ये है, जब हम आपके लिए दही लेने गए थे ना, तो वहाँ से हमारी स्कूटी किसी ने उठा ली। अरे पागल, स्कूटी को लेकर टेंशन में हो? वो खटारा स्कूटी चली गई, अच्छा हुआ। मैं बैंकॉक से आऊंगा, तुम्हारे लिए कार लेके आऊंगा। पर कार तो हमें चलाना आता ही नहीं है। इसीलिए तो लेके आऊंगा, स्कूटी तुमको चलना था, दिन भर के रेल बनी होती थी। ब्रिजेश जी मजाक छोड़िए, वो क्या है ना, स्कूटी के अंदर ना हमारा पर्स भी था। पर्स तुम्हारा? वो जो सासू माँ ने दिया था। हाँ। अच्छा हुआ उस बुढ़िया का दिया हुआ पनौती चला गया। मैं बैंकॉक से नया लेके आऊंगा, ऐसे लेके चलोगी? खट 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 खट। वो तो हम चल लेंगे, लेकिन बात ये है कि हमारे पर्स के अंदर आपका पर्स रखा हुआ। मेरा पर्स? 100 रुपए का पर्स तुम्हारे कंजूस बाप ने दिया था। मैं बैंकॉक से तुम्हारे लिए लेके आऊंगा ना, तो मैं अपने लिए भी लेके आऊंगा, ठीक है? चलो 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 चलो, तो बाय करो मुझे। हाँ। और जाके मेरा पासपोर्ट दो और कैश लेके आओ। अरे हम कब से वही तो कहना चाह रहे हैं, सुनते ना है आप। क्या? जो आपका पासपोर्ट और टिकट था ना, वो पर्स में ही रह गया है। अरे यार हद है, तुम टेंशन ले नहीं रही हो, तुम टेंशन दे रही हो। जिंदगी में पहली बार विदेश जाने का मौका मिला था, बैंकॉक का सपना मेरा धरा का धरा रह गया। ब्रिजेश जी बोला मत मुझसे, दिमाग बहुत ज्यादा ठंडाया हुआ है। जानू कहने पे भी नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा अगर जानू मैंने सुन लिया। अच्छा अच्छा सुनिए ना, वो बैंकॉक नहीं गए तो क्या हुआ, हम अंदर चल के बैंकॉक बना लेते हैं ना। अच्छा अंदर चल के बैंकॉक बना लेते हैं। एक आदमी का फ्लाइट मिस हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है, तुम्हारा रोमांच चर्राया हुआ है इसी बीच में। पहले वहां चलते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां पे शिकायत करते हैं कि हमारा सामान चोरी हुआ है। ठीक है ठीक है चलो। पर पुलिस स्टेशन तो वहां है। आधी बात मैं तुम्हारी भी मान रहा हूं। ऐसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसी असर पड़ता है बंदे पर। आज से आप सब लोग मेरे अंडर हैं, क्योंकि मैंने कब्जा कर लिया बाबा के धंधे पर। बोलो रॉकी भैया की। बाबा सच्ची कहता था तुम पर कोई असर नहीं होगा। क्यों भैया? भैया भैया क्या लगा रखी है, इतनी लड़कियां बैठी हैं, वो भी भैया बोलेगी तो मेरी शादी कैसे होगी, मेरा क्या होगा भाई? भैया वैसे भी आपका कुछ हो तो नहीं रहा है। तमीज से बात करो। शट अप। ये ठीक है। हाँ तो ट्रेंडी, मैं क्या कहता हूँ, अब हमने कब्जा तो कर लिया है, अब भक्तों की समस्याएं सुनते हैं, पैसे कमाते हैं। हाँ। बोलो रॉकी बाबा की। तो बताइए किसकी क्या समस्या है, बोलिए। रॉकी बाबा की जय हो। जय तो ठीक है, तुम्हें कहीं देखा लगता है भाई? आम इंसान है, आम इंसान तो एक जैसा ही दिखता है भाई, टेंशन में होता है जो। अरे ट्रेंडी, इसकी शक्ल बाबा जैसी क्यों लग रही है? नहीं नहीं भैया, बाबा जी ने मुझे कहा था कि एक शक्ल के 7 आदमी होते हैं इस दुनिया में, उनमें से एक होगा। अच्छा कंफर्म कर लेते, एक बार हंस कर दिखाना भाई। जिसको इतनी टेंशन हो वो कहाँ से हंसेगा बाबा। ठीक है तो बताओ क्या समस्या है। शादी नहीं हो रही। इसकी तो समस्या इसकी तो समस्या भी सेम है। एक काम करो भाई, मिठाई बेचा करो, मिठाई मीठा बेचोगे तो मीठी मीठी लड़कियां मिलेगी भाई। ऑलरेडी 2 हलवाई की दुकानें हैं हमारी। तो काले कुत्ते को मिठाई खिलाया करो। 2 कुत्ते भी रखे, ग्राहक तो आते नहीं, वही खाते हैं मिठाई। शनिवार को 8 बजे दुकान खोला करो। 7:30 खोलते हैं, शनि मंदिर 7 में है ना, ग्राहक आते हैं सुबह सुबह आधा घंटा। सोमवार के दिन मंदिर जाया करो भाई। हम रोज जाते हैं मंदिर, जाए बिना खाना नहीं खाते।
करो भाई, गरीबों को दान करो। दो अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, ऑलरेडी माँ बाप वहीं रहते हैं हमारे। एक बात बताओ, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? दो भाई एक बहन। बात तीन ही है, सेम। ट्रेंडी, मैं कहता हूँ निकलते हैं। भाई तुम्हारी समस्या नहीं ठीक होगी, बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं नहीं, बैठेंगे नहीं, आप कर सकते हैं हमारी समस्या दूर। वो कैसे? अपनी बहन से शादी करवा दो। मेरी बहन पर नहीं रख रही, तू होता कौन है ऐसा बोलने वाला? जो सातों जन्म से तेरी बहन के पीछे पड़ा, तुझे साला बनाने वाला सोशल बाबा। अरे ट्रेंडी फंस गया, मैं कहता हूँ भागते हैं। नहीं भैया, भाग नहीं सकते, बाबा जी के आदमी चारों तरफ है। बाबा जी, गलती होगी बाबा जी, गलती होगी बाबा जी, गलती होगी। तुम्हारा स्थान तो हमारे मन में है भाई, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। हम तो वैसे ही ये बाबागिरी छोड़ के मुक्त होने वाले थे, सोच रहे थे कौन होगा हमारा वारिस, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो। अरे बाबा जी, ये कैसे हो गया, मतलब आप बदल कैसे गए बाबा जी? जब हमें पता चला कि तुमने हमारे धंधे पे कब्जा कर लिया है, हमने लॉटरी डाली, 2 करोड़ की लग गई। 2 करोड़ की लानी बाबा जी, फिर आप यहाँ क्या करने आए बाबा जी? हमने सोचा बद्दुआ नहीं लेनी और तुम लोगों का हिसाब कर दें, ट्रेंडी की सैलरी दे दें भाई, क्योंकि हम 2 करोड़ से बैंकॉक शिफ्ट होने वाले हैं। इधर पकड़ाओ चंदा, इधर रखते हैं सारा का सारा। तो भाई ये पेपर है, इस पे साइन कर दो भाई, कि आज से हमारा कोई हिसाब किताब। बाबा जी क्यों नहीं, कहाँ साइन करना बाबा जी? यहाँ नीचे भाई, कर दिए बाबा जी। चलो भाई, खुश रहो भक्तो, आज से ये आपका बाबा है, समस्याएं सुलझाएगा, हम तो चलते हैं। नहीं 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 बाबा जी, अब आए हो इतनी दूर से तो मुझे थोड़ी सी बाबागिरी सिखा दो बाबा, मेरे से हो नहीं रहा सही तरीके से काम। क्या नहीं हो रहा? अब बाबा जी मेरे को ये बताओ कि जब भक्त जूते मारते हैं तो फिर समागम को हैंडल कैसे करना है? तब समागम को हैंडल नहीं करना, जूते हैंडल करने हैं सारे, क्योंकि वही हैंडल कर करके बाबा की 10 दुकानें चल रही हैं मार्केट में जूतों की। और बाबा जी, टमाटर मारने से भी फायदा होता है? नहीं, भक्तों को सावधान करना है, टमाटर नहीं लेके आने। अच्छा। क्योंकि मारना है कद्दू मारो, आलू मारो, प्याज मारो, जो काम आए। टमाटर मारते हैं पिचक जाते हैं, खाते हैं तो पथरी हो जाती है, टमाटर नहीं मरवाना। अच्छा। बाबा जी आप तो महान है बाबा जी। नहीं नहीं, हम नहीं महान, बाबा तो आप है, हम तो तुच्छ प्राणी है, आपके भक्त है। अच्छा बाबा जी। तो भक्तो बोलो रोकी बाबा की। इधर बाबा कौन है रे? बाबा कौन है बाबा? आइए आइए दरोगा साहब, ये हमारे पूजनीय बाबा जी हैं। पूछो, ये बाबा है? हाँ। अरे बाबा, इतना सा बाबा? अरे शक मत कीजिए। हाँ। पहले आपसे भी लंबा था, टेंशन के कारण घिस गया। अच्छा, ये पूरा प्रॉपर्टी तेरा है? अच्छा बाबा, मैं हूँ तो मेरा ही होगा भाई। यू आर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट होता है? अरे अंडर पहले से हो, और कितना अंदर रहेगा? अरे पर क्यों अरेस्ट क्यों भाई? ये पूरा प्रॉपर्टी का जाली पेपर बना के बैंक से 2 करोड़ का लोन निकाला तुमने। मैंने कब निकाला लोन बाबा? बताओ मैंने कब निकाला? बाबा जी इतने फ्रॉड हैं आप? अच्छा किया आप आगे बात, हम तो भोले इंसान है गांव के, इसने हमारे पैसे भी हैंते हैं, चेक करो इसका बैग। अरे नहीं नहीं, देखे दो हमारे पैसे वापस। अरे ये उसने दिए हैं, अभी हमें आते नहीं हमने। देखो ये देखो, हाँ लाओ, हाँ हमारा था। अरे हमारे, अरे हमारे हैं पैसे, ये लेबोरेटरी में जाएगा चेकिंग के लिए। इसको कौन सा शुगर हुई है जो चेक करना है भाई? दो मेरे को भी अंदर जाने का क्या? चलो चलो। हाँ, मेरी एक आखिरी इच्छा है, छोटी सी आखिरी इच्छा है। आखिरी इच्छा? अरे बोलो। तो आंखें बंद कर लो सभी एक बार। करो भाई करो, सब लोग आंख बंद करो, मैं भी। हाँ, सब तो आप भी करोगे। चलो। अरे मत। तो भक्तो आज का विचार है। अरे विचार के चक्कर में हो गया फरार है, खोलो। रुक रे। बाबा जी। हाँ? अब जो बोलेंगे मैं वो सब करूंगी। जो बोलेंगे वो करेगी? हाँ। तो माफ किया। तो फिर आज रात। हाँ। अंधेरा। हाँ। हल्की सी लाइट। हाँ। हाथ में हाथ। क्या मतलब? फिल्म देखने चलेंगे भाई, थिएटर में नहीं लगी है। तो बाबा जी आज का विचार दे दीजिए। विचार तो तुम्हें पिटवाने का था, लेकिन मोहब्बत करते हैं इसलिए फिक्र करते हैं, नफरत करते तो जिक्र भी नहीं करते। तो भाई
आज दरबार का विचार दे देते हैं लास्ट वाला भक्तो। तो भक्तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता समान होती है, बाबा ने ऐसे नहीं पहनी धोती है। हमें टेंशन देने वालों की यही हालत होती है, बाबा नहीं करता चिंता, बाबा करता है चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। तेरे भाई की हालत चल न्यूज चैनल पे लाइव देखते हैं आ। डॉक्टर साहब क्या आपको क्या हुआ है? अरे नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ भाई है? वो बात ये है कि मेरी गाड़ी ना सुबह पंचर हो गई थी तो मैं इस पे आया फिर। ये क्या डॉक्टर है यार? हाँ जी बताइए हुआ क्या आपको? अरे मुझे नहीं मेरे पति को हुआ है। अरे वाह ये तो खुशखबरी है भाई, मैंने तो सुना था सिर्फ बीवियों को होता है पतियों को भी होने लगा। अरे डॉक्टर साहब अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा यार, मैं बीमार हूँ बीमार। ओह सॉरी सॉरी बैठी बैठी मैं तो भूल ही गया था मैं डॉक्टर हूँ। बैठो यार। हाँ जी बताइए बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब ये बहुत टेंशन लेते रहते हैं, हर छोटी छोटी बात का टेंशन लेते रहते हैं। कमाल की बात है भाई, इतनी खूबसूरत बीवी है आपकी फिर भी टेंशन लेते हो। अरे मेरे कहने का मतलब है टेंशन तो मुझे लेनी चाहिए ना, क्योंकि हमारी बीवी को तो तीसरे दिन शेव करनी पड़ती है, दाढ़ी आ जाती है उनके। चलो बताइए ये क्या टेंशन लेते हैं? अब डॉक्टर साहब बहुत छोटी सी बात है, अब क्या हुआ ना कल इनके भाई की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, अब इतनी सी छोटी बात का कोई टेंशन लेता है क्या? इतनी बात पे कौन टेंशन लेता है भाई साहब, ये कौन सी टेंशन वाली भाई? कोई बात नहीं मैं फिर भी सिम्टम नोट कर लेता हूँ, कोई चक्कर नहीं है इतना। अरे मेरा पैन कहाँ गया भाई? अरे वो आती है पैन कहाँ गया मेरा? टेंशन हो रही है मेरे को। पैन कहाँ गया अभी? आप टेंशन पैन कहाँ गया मेरा? पैन ढूंढो पैन ढूंढो भाई। बैठो तो बैठो। अरे पैन कहाँ गया मेरा? अरे अरे मेरा पैन कहाँ गया? एक मिनट। अरे पैन कहाँ गया मेरा? पुलिस का क्या नंबर होता है भाई? पुलिस 100 होता है। अरे हेलो पुलिस स्टेशन, मेरा पैन नहीं मिला, ढूंढो भगवान मेरा पैन, उठाने से पहले मेरे को उठा लेता है भगवान। डॉक्टर साहब बड़ी टेंशन हो रही है। ओ पैन की इतनी कोई टेंशन लेता है क्या यार? क्यों ना लूं टेंशन भाई, हमारा खानदानी पैन था, पता कितना कीमती पैन था वो? कितना कीमती था? अरे बहुत कीमती पैन था भाई, हमारे खानदान की निशानी थी, उस पैन की वजह से मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। पैन की वजह से कभी किसी दादा की डेथ होती है यार? हुई थी, मेरे दादाजी ने लव लेटर लिख के ना पहलवान के बाथरूम में फेंक दिया, अंदर था पहलवान, उसने वो पकड़ लिया, उसने पकड़ के मेरे दादा को बहुत मारा, बाद में पता चला पहलवान तो अनपढ़ था। यार जब पहलवान अनपढ़ था तो तेरा दादा कैसे मर गया? मेरा दादा है ही इतना बसूरत है, मेरा खुद दिल करता उसको मार दूं। हाँ वो तो आपकी शक्ल से पता चल ही जाता है। अरे मैं तो कुछ नहीं, मेरे मम्मी डैडी मेरे से बसूरत है, मेरे डैडी तो माथे पे लिखवा के घूमते थे यहाँ थूकना मना है। डॉक्टर साहब आप ये सब छोड़िए, मेरे पति का इलाज कीजिए। इलाज करते इलाज करते, मैं भूल ही गया था मैं डॉक्टर हूँ भाई। हाँ जी बताइए बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है? डॉक्टर साहब ये है ना बहुत छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते हैं, अब बताइए हमारी पिछले महीने फैक्ट्री में आग लग गई, सारे गार्मेंट जलकर खाक हो गए, अब इसमें कौन सी टेंशन लेने वाली बात है बताइए आप मुझे? यार कमाल की बात है, मेरी फैक्ट्री में कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी, मैं टेंशन ना लूं। इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, घर में दूसरे कपड़े पड़े होते वो पहन लेते, नहीं तो मेरे घर में पड़े मेरे से ले लो। बदतमीजी है बताओ ये। और यार मैं यहाँ पे कपड़े मांगने थोड़ा आया हूँ, अपनी टेंशन का इलाज करवाने आया हूँ, और अगर मेरी टेंशन का इलाज ना हुआ तो मैंने डिप्रेशन में चले जाना है। अच्छा जी बड़ी अच्छी बात है, अगर अच्छी जगह है तो घूम के आओ, मेरे को भी बताओ मैं भी घूम के आऊंगा डिप्रेशन में। एक मिनट डॉक्टर साहब, डिप्रेशन बीमारी है घूमने की जगह नहीं है, डिग्री है ना आपके पास? हाँ डिग्री है, डिग्री क्यों नहीं है, इतनी कोई बात, ये देखिए डिग्री है मेरे पास, ऐसी कोई बात है? देखो एक मिनट दिखाओ जी, हमें पढ़ना भी आता है इतना तो, और ये फोटो तो किसी और की है, आप कोई और हो? नहीं नहीं मेरी है बचपन की है, पता नहीं चल रहा। और यार ये डिग्री तो नकली है डॉक्टर की, यार तू भी कमाल है। अरे ऐसे कैसे नकली है, 10,000 रुपया दे के लिए मैंने, नकली थोड़ी है, ऐसे तो आप मतलब शोर मचा कर पुलिस को बुला लेंगे, मेरे को पकड़ा देंगे, मेरा धंधा बंद करना, बड़ी टेंशन हो रही है मेरे को भाई। और डॉक्टर साहब आपकी अपनी टेंशन तो खत्म नहीं हो रही, दूसरों की क्या खत्म करोगे यार आप, है आपको आता जाता कुछ है? अरे नहीं जी तो जाके चंकी पांडे से पूछ रहा, उसकी टेंशन भी मैंने दूर की है। कैसे? मैंने उसको बताया भाई तेरा जितना बनता था ना तूने उससे कई गुना ज्यादा कर लिया, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे क्या है भाई ये बताओ कि आपको ये चंकी पांडे कहाँ मिल गया? पागल खाने में। हाँ जी इवन हम तो भागे भी इकट्ठे ही हैं। तो मतलब आप पागल खाने से भागे हो? अरे नहीं नहीं इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, अब तो 23 घंटे हो चुके हैं।
डॉक्टरों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, कोई नहीं हिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने चारों तरफ से नहीं, एक तरफ से ही घेरा यार। है? अरे वो पागल है, उसको थोड़ी ना पता ये सब। तुम पकड़े गए। हर बार मैं भागता हूँ, आप पकड़ लेते, ऐसा तो ना होता है। तुम पकड़े गए लेकिन। नहीं ऐसा नहीं हो रहा, देखो मेरी बात सुनो, इस बार पकड़ा गया मैं। हाँ। अगली बार आप भागोगे मैं पकड़ूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो वहाँ जाके खेलते हैं हॉस्पिटल। नहीं नहीं, यहीं से खेलना शुरू करेंगे। नहीं, वहाँ जाके खेलते हैं। मैं नहीं खेलना, मैं। चलो चलो चलो, यहीं से खेलते हैं, ठीक है? पकड़ोगे? चलो चलो। मैं 1 2 3 बोलूंगा तब, ठीक है? ठीक है। रेडी? ओके। आप खेलेंगे? चलो ठीक है, रेडी 1 2 3।